इस सवाल में आपको बोला गया है कि एक आदमी यहां से मैंगो फेंकना चाहता है इस बोट के अंदर। ये बोट का सेंटर 11 मीटर के डिस्टेंस पर है और बोट की जो लेंथ है वो 2 मीटर। इसका मतलब क्या है, इस मैंगो की जो रेंज है दैट रेंज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 मीटर्स एंड लेस देन इक्वल टू 12 मीटर्स। क्यों, 11 मीटर सेंटर की डिस्टेंस है तो मिनिमम डिस्टेंस कहां तक पहुंचना चाहिए, वो 11 माइनस 1 क्योंकि 2 मीटर तो टोटल बोट की लेंथ है, तो 11 माइनस 1 10 से लेकर 11 प्लस 1 12 तक के बीच में इसका रेंज होना चाहिए। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करना होगा। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मीटर्स। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मीटर। दिस इंप्लाइज यू कितना है 10 रूट 2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 200 साइन 2 थीटा बाय जी के लिए आपको दे रखी 10, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 से 10 चला गया। दिस इंप्लाइज साइन 2 थीटा हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बाय 20 यानी 1 बाय 2। अगर साइन 2 थीटा 1 बाय 2 से बड़ा है, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज थीटा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 थीटा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 थीटा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री और थीटा इज ग्रेटर देन 15 डिग्री इफ थीटा इज लेस देन 45 डिग्री। इसका एक सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा कि साइन 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 2 अगर हो तो हम बोल सकते हैं 2 थीटा इज लेस देन 150 डिग्री क्योंकि साइन 150 डिग्री भी 1 बाय 2 होता है। सो दिस इंप्लाइज आपका 2 थीटा 150 डिग्री से छोटा है, मतलब क्या है थीटा इज लेस देन 75 डिग्री या लेस देन इक्वल टू करते हैं थीटा 75 डिग्री से कम होना चाहिए। कब, अगर हम चाहते हैं कि 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो मतलब आपका थीटा जो है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो यहां पे क्या आया, हम चाहते हैं अगर रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मीटर है, दिस इंप्लाइज जो आपका थीटा है 45 डिग्री से कम हो तो 15 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 45 डिग्री से ज्यादा हो तो 75 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मतलब 15 डिग्री से लेकर 75 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल चलेगा। 15 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 75 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कि आपका जो रेंज है वो 10 मीटर से ज्यादा हो, पर अगर 12 मीटर से ज्यादा हो जाए तो बाहर गिर जाएगा। इसलिए हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या है कि रेंज इज लेस देन इक्वल टू 12 मीटर। दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा by g is less than equal to 12 meter. This implies 200 sine 2 theta by 10 is less than equal to 12. This implies sine 2 theta is less than equal to, आप easily इसको solve कर सकते हैं, 3 by 5. Sine 2 theta आपका 3 by 5 से छोटा होना चाहिए। This implies अगर आपका 2 theta first quadrant में है, 2 थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 37 डिग्री क्योंकि कितने एंगल का साइन 3 बाय 5 होता है, 37 डिग्री का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस इंप्लाइज थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 18.5 डिग्रीज। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन है। दिस इज मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था आपका 2 थीटा, तो मतलब थीटा क्या है
थीटा इज लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर थीटा 45 डिग्री से कम है तो इसको 18.5 डिग्री से भी कम होना पड़ेगा। और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन देखूं तो 2 थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। दिस इंप्लाइज 2 थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री क्या होता है 143 डिग्री। ये कहां से आया देखिए, हमें पता है साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा। तो हमने बोला अगर 37 डिग्री पे आपका साइन 2 थीटा 3/5 होता है तो दोबारा कितने एंगल पे होगा 3/5 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री पे। तो इसलिए 143 डिग्री पे भी आपका थीटा जो है वो जो साइन 2 थीटा है वो 3/5 है। यानी 2 थीटा अगर 143 डिग्री हो जाए तो आपका रेंज 12 मीटर होगा। इसके बाद अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हो तो रेंज डिक्रीज होगा क्योंकि आप 180 डिग्री की तरफ जा रहे हैं जहां पे साइन 2 थीटा 0 हो जाएगा। इसलिए 2 थीटा इज ग्रेटर एन इक्वल टू 143 डिग्री भी इसका सोल्यूशन होगा। दिस इंप्लाई ये कब है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा नहीं है, 2 थीटा है। यहां पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा नहीं था, 2 थीटा था। दिस इंप्लाइज थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 71.5 डिग्रीज इफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां पर तो आपकी ये कंडीशन का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अगर 71.5 से बड़ा हुआ तो 45 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा। और यहां पर भी अगर 18.5 से छोटा हुआ तो 45 डिग्री से छोटा होना ही पड़ेगा। इसलिए इन कंडीशन का कोई मतलब नहीं है। कंडीशन क्या है, थीटा या तो 18.5 से कम हो या 71.5 से ज्यादा हो। मतलब थीटा इज लेस देन इक्वल टू 18.5 डिग्रीज और थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 71.5 डिग्रीज। ये कंडीशन है अगर आप चाहते हो आपका रेंज 12 मीटर से छोटा हो। लेकिन 10 मीटर से बड़ा भी चाहिए तो 15 डिग्री से 18.5 डिग्री के बीच में हो या फिर 71.5 डिग्री से 75 डिग्री के बीच में हो। देयरफॉर रेंज फॉर द अलाउड वैल्यूज ऑफ थीटा आर या तो अगर वो 15 डिग्री से बड़ा है और 18.5 डिग्री से छोटा है तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर वो 71.5 डिग्री से बड़ा है और 75 डिग्री से छोटा है तब भी वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 15 डिग्री टू 18.5 डिग्रीज और 71.5 डिग्रीज टू 75 डिग्री। आप देख सकते हो 15 डिग्री की जगह 75। आप अगर उस कॉन्सेप्ट को भी यूज करिए कि जो रेंज थीटा पे होता है वही रेंज 90 डिग्री माइनस थीटा पे भी होता है। तो 15 डिग्री पे जो रेंज आएगा दैट विल बी द रेंज एट 75 डिग्री और 18.5 डिग्री पे जो रेंज आएगा दैट विल बी द रेंज एट 71.5 डिग्री। इसलिए अगर आपका 15 से 18.5 डिग्री आंसर है तो आपका 71.5 से लेकर 75 डिग्री भी एक आंसर होगा।